हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बरवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजाटा ब्लॉग। दोस्तों, टाटा मोटर ने अपनी फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारतीय बाजार में सबसे पहले लॉन्च किया था 21 सितंबर 2017 को, और जिसका मेन यूएसपी था उसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बेस्ट डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स। इंडिया में नेक्सॉन एकमात्र ऐसी एसयूवी थी जिसको ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, और जिसकी पर मंथ सेल्स फिगर थी 5 to 6,000 यूनिट की। 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा नेक्सॉन को एक नए अवतार में नए फीचर्स के साथ अनवील किया गया था, और इसके तुरंत बाद से लॉन्च किया गया था बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जिसे कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है। आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन नंबर 1 की पोजिशन पर है दोस्तों। जहाँ तक कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है दोस्तों। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, जो कि एक नए अवतार में लॉन्च होने वाली है, नए फीचर्स और नए डिज़ाइन के साथ, इलेक्ट्रिक सनरूफ और फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। और इंडिया में इस समय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का दौर चल रहा है दोस्तों। हर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहता है, क्योंकि इसमें आपको बेहतर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, बेहतर फीचर्स और बेहतर डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ऐसे में नेक्सॉन के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्सॉन का थर्ड जनरेशन अवतार यानी फेसलिफ्ट अवतार लॉन्च होने वाली है, एक बहुत ही जबरदस्त डिज़ाइन प्रीमियम फीचर्स के साथ। जहाँ तक इसके डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और रगेड फील होने वाला है, और इसकी हेडलैम्प यूनिट टोटली रीडिज़ाइन में आपको ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, रीडिज़ाइन की फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर क्रोम गार्निश में फॉग लैम्प यूनिट बहुत ही ज़बरदस्त हाउसिंग में आपको देखने को मिलेगा, और इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के न्यू डिज़ाइन के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग और ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में, और भी आपको ड्यूल टोन एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं। रेन सेंसिंग वाइपर के साथ ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट रहने वाले हैं। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो काफी अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है करंट वेरियंट के कंपेरिजन में। सबसे ऊपर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर देखने को मिलेगा। टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो और नए डिजाइन के आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प यूनिट देखने को मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले में काफी एट्रैक्टिव रहने वाले हैं। इसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा रीडिजाइन में, रियर बम्पर क्रोम गार्निश में, स्किड प्लेट भी आपको बिल्कुल न्यू डिजाइन में देखने को मिलेगा। और ये भी खबर आ रही है कि दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ की जगह आपको पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है फर्स्ट इन सेगमेंट, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने सेगमेंट में जबरदस्त कॉम्पीट करेगी बाकी एसयूवीज को। और इसके इंटीरियर में लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम ऑक्स एंड यूएसबी को। इसके साथ ही आईआरए कनेक्टेड फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसके साथ ही करंट वेरिएंट की तरह ही इसमें 3 ड्राइव मोड्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट, और इसके साथ ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। न्यू डिजाइन की डैशबोर्ड भी आपको यहां पे दिया जा सकता है। हालांकि नए अवतार के टाटा नेक्सॉन में आपको डायमेंशंस एज इट इज रहने वाले हैं करंट वेरिएंट की तरह ही, काफी फीचर्स इसके करंट वेरिएंट से मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन में आपको दिए जा सकते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि रीडिजाइन के रहने वाले हैं, और इसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स लेदर अपोस्टी के साथ आपको देखने को मिलेगा। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो करंट वेरिएंट की तरह ही BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 120 bsp की पावर एंड 170 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। जहां तक ट्रांसमिशन की बात करें तो मिलने वाले हैं 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। करंट वेरिएंट की तरह सेकंड इंजन ऑप्शन आपको BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलने वाले हैं। 108 bsp की पावर एंड 260 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन। इसके साथ ही इसमें थर्ड इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। जी हाँ दोस्तों,
चलिए अब बात करते हैं फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें मिलने वाले हैं 6 एयरबैग जो कि अब कंपलसरी हो चुकी है, एबीएस विद ईबीडी विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग, IRVM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रीटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, डोर अजर वार्निंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, टायर पंक्चर किट जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन में मिलने वाले हैं। जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो एंड ऑफ 2022 और अर्ली 2023 में ये लॉन्च हो सकती है दोस्तों। और वहीं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रेंज की बात करें तो 7.50 लाख टू 12.50 लाख एक्स-शोरूम प्राइस दिल्ली रहने वाली है। ये थी नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉकराउंड्स कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।